हेलो साथियों, वेलकम टू रावस इंस्टीट्यूट। आज बात करते हैं हम सिलेबस की, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके द्वारा आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी एज वेल ICAR, BHU और तमाम यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो आपने फिल कर दिए होंगे सभी कैंडिडेट्स ने, जो कल लास्ट डेट था। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कॉमन यूनिवर्सिटी, आपको एक विजन तैयार करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि आपको स्कोर कार्ड मेंटेन करना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है वो है स्कोर कार्ड बनाना, बेहतर तरीके से जिससे अच्छा रैंक ला सके। अगर आप अच्छे रैंक लेकर आते हैं ना, तो अपने आप आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन 100% होगा। अच्छा, CUET पिछले साल से स्टार्ट किया था, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इस बार इसमें टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड की गई है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि प्राइवेट भी इंक्लूड की गई है, ये मस्ट कर दिया गया है। हर एक यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी है एज वेल जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए, पहले ICAR एग्जाम दिया करता था एग्रीकल्चर के लिए, वेटनरी के लिए, बीटेक के लिए, और अब BHU अलग से लिया करता था, और अब ये कॉमन हो गया है। सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम लेती थी, लेकिन अब ये कॉमन हो गया है। एक एग्जाम दो, अपना स्कोर कार्ड मेंटेन करो, अपना स्कोर कार्ड बनाओ, और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अच्छा, एग्जाम डेट आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 21 मई से 30 मई के बीच में, 21 मई टू 30 मई के बीच में आपका एग्जाम होना है। इसके अलावा हम आज CUET की बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम होना है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो अलग से लिया जाता है, लाइक पंतनगर यूनिवर्सिटी या JET जो एग्जाम हो गया, या CUET UP कैटेट एग्जाम हो गया, या जो अलग अलग स्टेट के लिए लिया जाने वाला, तो वो भी आप लेक्चर्स अदर एक वीडियोस में जो सब हमने वीडियोस बना रखे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सभी की के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटीज जो आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या आसाम यूनिवर्सिटी या हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, ICAR भी अभी इसके अंडर ही आता है। दैट मीन्स जो भी आपका स्कोर कार्ड रहेगा हाईएस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ में, बाकी जो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी एडमिशन मिलेगा। आप चाहे बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, या हर एक स्टेट का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसमें एडमिशन्स तो मिलेगा ही मिलेगा, जो 37 तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, वो फॉर्म आपने फिल कर ही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अलावा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिएगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि तीन सेक्शंस हैं इसके अंदर। सेक्शन ए है जो लैंग्वेज को, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहें, जो भी आपके लिए ईजी लैंग्वेज हो, उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज में से, लैंग्वेज सेक्शन ए लैंग्वेज में से जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस आपके कहां से होंगे, लैंग्वेज में से। कितनी लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज 13 लैंग्वेज है। जो कैंडिडेट्स आप चाहे हिंदी चूज करें, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करें, चाहे पंजाबी सेलेक्ट करें, गुजराती सेलेक्ट करें, तो बहुत सी लैंग्वेज वहां पे दे रखी है और आपने सेलेक्ट भी किया होगा, तो उसी में आपको प्रिपेयर करना है। इसका भी हम सिलेबस और पैटर्न डिस्कस कर लिए। सेक्शन बी की हम बात करें, सेक्शन दो की हम बात करें, तो यहाँ पे डोमिनेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, डोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं। इन डोमिनेंट सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो आपने सेलेक्ट किया होगा, किसी ने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, या तमाम जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सेलेक्ट किए होंगे और उसी में आपका पेपर होगा। सबका जो सिलेबस है वो अगर आपको ऑनलाइन मिलता है तो बेहतरीन है, अदरवाइज रावस इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे सारा सिलेबस आपको, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डेप्थ में आपको मिलेगा। तो डाउनलोड करके रावस कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से
सारा सिलेबस, चाहे पीजी एंट्रेंस की बात करें, चाहे यूजी एंट्रेंस की बात करें, चाहे नेट की बात करें, सब सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं कि इसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में यूनिवर्सिटी बेसिस आपने सेलेक्ट किए होंगे सब्जेक्ट को भी। कोई हॉर्टिकल्चर, किसी यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑनर्स नहीं है, किसी में बीटेक है, किसी में बीटेक एग्रीकल्चर है, किसी में वेटनरी है, किसी में ज्योग्राफी है, तो वो सभी तमाम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें तो यहाँ पे 27 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे। और एक आपका जो पेपर होगा तो सब्जेक्टिव एक पेपर होगा आपका, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जी मेरे को एग्रीकल्चर देना है तो आपका एग्रीकल्चर सेक्शन आप सेलेक्ट किए होंगे और उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे आपका जो सेलेक्टिव पेपर है उसमें से क्वेश्चंस कितने होंगे, अराउंड 35-40 जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या ये कहें कि आपको टोटल जो मार्किंग है वो भी टोटल डिस्कसिंग अराउंड आपका कि 50 मार्किंग का आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। चलिए सेक्शन 3 की बात करें तो ये सेक्शन 3 क्या है, जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टेट्स ऑफ जीके हो गया, तो ये तमाम जो आपका जनरल नॉलेज है वो पूछा जाएगा और उसको भी हम डेप्थ में अभी डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर तो क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, स्टे ट्यून विद अस। चलिए जी, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जनरल का जो क्वेश्चंस होंगे आपके 50 क्वेश्चंस जनरल जीके से होंगे, तो सेक्शन वाइज 3 हमारे सेक्शंस हुए और इन तीनों सेक्शंस में से हमें क्या करना होगा, देखना होगा और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जिसको लगता है कि मैं इंग्लिश या लैंग्वेज में कम बना सकता हूँ वो बाकी दो सेक्शंस पे फोकस रखे, और अगर कोई अपना खुद का जो सब्जेक्ट नॉलेज है तो अगर उसमें वीक है तो वो जनरल पे और लैंग्वेज पे अपना फोकस कायम रखे। चलिए जी बात करें यहाँ पे सिलेबस जो पैटर्न है आपका लैंग्वेज जो पैटर्न है, लैंग्वेज पैटर्न में से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपका रीडिंग सेक्शन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि मतलब आप जिस तरह से उसको रीड करके पता कर सकें। आप हर कोई जानता है रीडिंग सेक्शन में पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर्स देने होते हैं। अगर आप समझ गए उसको तो हिंदी लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट है वो हिंदी में समझ कर उसके आंसर्स देने हैं, इंग्लिश में वही एक कॉम्प्रेहेंसिव हम कह सकते हैं पैराग्राफ, वही टाइप के जो क्वेश्चंस उसमें देखे जाएंगे, डिफरेंट टाइप उसमें पैसेज आपका होगा, फैक्चुअल पे होगा, लिटरेसी पे भी मिल सकता है, नैरेटिव पार्ट या नैरेटिव एंड लिटरेसी पे, एप्टीट्यूड या वोकैब सेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड हम अगर बात करें तो 5 से 7 आपको वोकैब भी देखने को मिलेगी या एंटोनिम सिनोनिम वाला सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक लैंग्वेज है। अच्छा जी, बहुत से कैंडिडेट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि सर ये क्या सभी लैंग्वेजेस में यही पैटर्न रहेगा? हाँ जी, पैसेज, कॉम्प्रहेंसिव, वोकैब, ये सभी आपका जो हिंदी जो सभी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में से यही आपका एक मेथड रहेगा जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करें डोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो डोमिनेंट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ सब्जेक्ट की बात करेंगे क्या पैटर्न है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन जो थर्ड था हमारा, ये हुआ सेक्शन जो फर्स्ट है वो सेक्शन सेकंड, या हम बात करें कि ये थर्ड हमारा जनरल जो सेक्शन। अच्छा, इसमें जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जो सबसे मोटा मोटा हम बात करें कि कहां पे फोकस होगा वो आपके करंट पे फोकस होगा, जनरल करंट आपसे पूछा जाएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस भी आपको मिलेगा और आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सारे नोट्स भी मिलेंगे, तो आप वहां जाके एंटायर आप नोट्स भी ले सकते हैं। जितना 2-3 से 4 महीने का करंट आने वाला है वो सारा वहां आपको हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ बात करें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जनरल जो चाहे हम बात करें मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लिया गया, कुछ साइंस के बारे में पूछ लिए गए, कुछ फैक्चुअल डेटास पूछ लिए गए, तो इस तरह से पूछा जाएगा।
जनरल मेंटल एबिलिटीज के आपसे क्वेश्चन होंगे, जिसको हम कहते हैं कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन देखे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज के क्वेश्चन होंगे, मैथ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, या फिर क्वांटिटी रीजनिंग के हम बात करें तो उसमें से होंगे। क्वांटिटी रीजनिंग सिंपल एप्लीकेशन या मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक कुछ होंगे, या एल्जेब्रा ज्योग्राफी से क्वेश्चंस, या मेंस्ट्रुएशन से जो क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट है आपका, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, वो आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसको डेप्थ में नोट एंड सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। अब बात करें कि सेक्शन सेकंड की हमने बात नहीं की, फर्स्ट और थर्ड हो गया हमारा सेक्शन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेक्शन जो सेकंड है हमारा, उसमें हमारी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है आपने, जिससे बीएससी करनी है, चाहे वो किसी ने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने सेलेक्ट किए होंगे। यहाँ पहले हम सब्जेक्ट की बात करें, सेक्शन थर्ड में से कौन कौन से, अरे सेक्शन आपके जो थर्ड है, थर्ड सेक्शन में से कौन कौन से टॉपिक्स जो मेजर हैं, आपने उन पे फोकस रखना है, तो उन टॉपिक्स को भी हमें कवर कर लेना है। चलिए बात करें जनरल नॉलेज की, बात करें तो इंडियन हिस्ट्री स्मॉल लेवल पे। अब आप यूपीएससी पीसीएस लेवल की हिस्ट्री तो आपने पढ़नी नहीं है ना, ट्वेल्थ लेवल तक की जो एग्जाम में आने वाला जो पैटर्न है वही आपने रीड करना है, वही आपने पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट्स को थोड़ा सा आपने देखना है, ज्योग्राफी आपने को देखना है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे जो अराउंड मैं कहूं कि टेंथ लेवल तक के जो साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लास्ट ईयर के अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके अलावा जो अवार्ड्स मिलते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, पर्टिकुलर एक अचीवमेंट्स के लिए, तो वो अवार्ड्स आपको जरूर देखने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि स्टैटिक जीके आपका होने वाला है, तो स्टैटिक जीके में जितने भी हमारे अचीवमेंट्स या इकोनॉमिकल स्टैटिक जीके हम बात करें, तो वो सारे आपके सर्वेस हो गए, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हो गई, ये सब चीजें देखनी होंगी। इंडियन पॉलिटी आप जो देखनी है, कॉमन पॉलिटीज के जो क्वेश्चन है वो देखने होंगे, एंड अदर कुछ पार्ट्स में से भी हम कह सकते हैं कि जिसमें करंट अफेयर वाला कुछ, जैसे मैंने बोला कि स्टैटिक जीके तो नेशनल सबसे ज्यादा फोकस्ड किया जाएगा, बट कुछ पार्ट अगर हम इम्पोर्टेंट माने तो इंटरनेशनल, G20 जो सबमिट हो गई, इस तरह के जो इवेंट्स हो गए वो आपको इंटरनेशनल भी देखने हो। करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल जो वही दोनों टाइप के करंट अफेयर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अभी इस पीछे की कौन कौन से सेक्शंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस होंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपका एक रीजनिंग पार्ट भी आपको कवर करना है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो सेक्शन थर्ड है, 50 क्वेश्चंस इसी सेक्शन थर्ड से पूछे जाएंगे। गॉट इट। चलिए हम बात करें कि नेक्स्ट जो हमारा, अब बात करते हैं कि जो सेक्शन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये कहें कि हमारा जो सब्जेक्टिव सेक्शन है, तो सब्जेक्टिव सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, या जो सब्जेक्टिव जो सेक्शन है उस सब्जेक्टिव सेक्शन में से कौन कौन सी यूनिट है। तो डेप्थ में हम यहाँ पे ना रखते हुए, डेप्थ में आपको वही मैं बोलूंगा कि एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे भी आप मिलेगा, तो जो भी कंटेंट है हर सब्जेक्टिव वाइज आपको मिलता जाएगा कि क्या क्या इसका सिलेबस है और कैसे हमें रीड करना है। गॉट इट। चलिए बात करें कि एग्रीकल्चर, अगर हम सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कहें कि कौन कौन से यूनिट्स है एग्रीकल्चर में, आपके जो यूनिट्स हैं वो चार यूनिट्स कवर करनी है। फॉर यूनिट्स, यूनिट नंबर फर्स्ट एग्रोमेट्रोलॉजी, लाइक मॉनसून, मॉनसून से रिलेटेड आपके जो डेटाज हो गए, कब मॉनसून आता है, या इसी के साथ साथ हम बात करें वाटर रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो यही क्वेश्चन मेट्रोलॉजी से आपसे पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन जिसको हम
जिसको हम बोला बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जिसको हम सस्य विज्ञान बोलते हैं, सस्य विज्ञान से आपके क्वेश्चंस होंगे, क्रॉप प्रोडक्ट सेक्शंस वाले पार्ट से क्वेश्चंस होंगे। फिर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, जो हमारा फ्रूट या वेजिटेबल्स वाला पार्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपका जो यूनिट्स है, चार यूनिट्स एग्रीकल्चर में है। और अब देखते हैं कि बायोलॉजी से कौन कौन सी हमारी यूनिट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बायोलॉजी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बायोलॉजी में भी आपके पांच यूनिट्स पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में पांच यूनिट कौन कौन से, रिप्रोडक्शन सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस होंगे। चाहे हम प्लांट्स पार्ट रिप्रोडक्शन की बात करें, जूलॉजी बोटनी वाला भी इसमें सेक्शंस इंक्लूड किया गया है, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए वहाँ ये सेक्शंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गए, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा एक बायोलॉजी के जो यूनिट्स है, इस तरह से हमारा सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से यूनिट्स हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि राज कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको एंटायर सब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, जो कैंडिडेट वीआईपी रिच है, जिनके पास आईफोन है, तो वो दिए गए नंबर पे आप टेक्स्ट करके व्हाट्सएप से आईफोन यूजर्स लिंक मांग सकते हैं। तो किसके लिए मैं वो बोल रहा हूँ कि जो आईफोन यूज करते हैं, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 8949845433, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, और डाउनलोड करके सेक्शन में जाइएगा, सिलेबस में आपको सीयूटी सिलेबस, या किसी को अगर चाहिए पंतनगर का सिलेबस चाहिए, किसी का जेट का सिलेबस चाहिए, किसी को एमपीपीयूटी या जो एग्जाम्स होते हैं इसके द्वारा, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो एंटायर सिलेबस आपको वहां पे मिलेगा। 200 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वहां पे अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सभी के एग्जाम्स के। तो आपको अपने आप में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। 6 अप्रैल से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, और ऑफलाइन जो हमारे बैचेस हैं वो 6 अप्रैल से आपके ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, हम राज इंस्टीट्यूट वादा करता है आपका एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करवाने का, बट उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस और मिनिमम 7 आवर्स इंस्टीट्यूट में गुजारना है जी। हमारी जो क्लासेस शेड्यूल की मैं बात करूं, 4 आर्सेस क्लासेस है, 2 आर्सेस प्रैक्टिस सेशन है, ये हमारा एक इनिशियल है, उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेशन है आपका टेस्ट सीरीज, ये सर 7 आर्सेस के लिए क्लासेस होंगे। पूरा और बेहतरीन पैकेज, लाइव क्लासेस है वो भी ऐसा ही सेक्शन है, 4 घंटे लाइव क्लासेस है, 2 आवर्स के लिए आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का शेड्यूल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में, जिनको एटलीस्ट सभी क्वांटिटी, जिनको मटेरियल नॉलेज ये सब मिल सके, और वो भी आप ही की तरह अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। आप लोगों के लिए एवरीडे यूट्यूब पे भी क्लासेस होती हैं, इन्फॉर्मेशंस भी हैं, जो आपका फॉर्म फिल किया जाएगा अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, सारी तमाम इन्फॉर्मेशंस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। साथ साथ में यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत।